हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पे। देखिए बात आती है जब मेगा जीएल की, कि मेगा जीएल विन करना है तो किस तरह से टीम बनाए। मैं इसी सीरीज को लेकर आगे बढ़ा रहा हूं भैया, कि मेगा जीएल के लिए किसी की भी टीम से ना खेले। मेगा जीएल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना ये है कि कभी भी किसी दूसरे की टीम से नहीं खेलना। भाई आपने अभी तक जो भी प्राइम ग्रुप ज्वाइन किया हो या फिर कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया हो, मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लॉस में ही होगे, डेफिनेटली लॉस में होगे। तो अगर आपको अपना लॉस कवर करना है या फिर प्रॉफिट जनरेट करना है तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि आप कहेंगे भैया आपने तो हमारा पूरा लॉस ही कवर करवा दिया। क्योंकि जब मेगा जीएल आप लोग खेलते हो तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि दूसरे की टीम से खेलते हो, और दूसरा क्या करता है मैं बताता हूँ। दूसरा क्या करता है, दोनों टीमों के ओपनर वन डाउन टू डाउन तक ले लेता है। और सबसे बड़ी गलती वो क्या करता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है, उसको तुक्के में टीम देनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ी गलती वो क्या करता है कि दोनों टीमों के ओपनर टू डाउन वन डाउन तक ले लेता है और उन्हीं लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन करता है जिनको सभी लोग करते हैं। भैया मेगा जीएल में ऐसा नहीं है। मेगा जीएल में कुछ टीमों में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सेफ खेलना चाहते हैं आप, बिल्कुल सेफ खेलें, लेकिन रिस्क थोड़ी तो ले भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉस ना हो तो थोड़ा सेफ तो खेलें। नंबर एक, लॉस से बचने के लिए तो सेफ खेलें सबसे पहले। उसके बाद अगर आपका फिर भी लॉस हो रहा है तो सबसे बड़ी गलती जो अभी तक कोई नहीं बताता भाई, वो ये है कि आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। मैच स्टार्ट होने के 5-10 मिनट या आधे घंटे पहले से आप तुक्के में टीम लगा देते हो, ये है सबसे बड़ी गलती। तो इस गलती को जब आप सुधार लोगे, आपको 1-2 घंटे पहले से कम रिसर्च करनी है, खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, एनालाइज करना है, सोचना है कि यार कौन सा प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, कौन सा चलेगा, सोचना है कि यार ये प्लेयर पिछले 3 मैचों से नहीं चला, वन डाउन टू डाउन आता है तो आपको उसको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना है। यही तो है भाई, कोई नहीं ले करके चल रहा, यही तो मेगा जीएल का ट्रंप है कि अगर जिसको कोई लेकर नहीं चल रहा है और वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन भी आता है और वो चल गया, डेफिनेटली आपकी रैंक पक्की है। फिर ये बात ध्यान रखना कि अगर आप वन डाउन टू डाउन को फ्लॉप करवा रहे हो तो फिर उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना, यानी ऑलराउंडर पर फोकस करना। मैं अपने हर वीडियो में बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, वीडियो को देखते बस जाइए। मैं बिल्कुल टोटल A to Z मेगा जीएल से हर चीज़ रिलेटेड बता दूंगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी कि किन किन टिप्स को देखना है। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, या फिर नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। धन्यवाद।